तवज्जो करना, हम हुसैन को क्यों ना चाहें, हुसैन पाक की गुलामी क्यों ना करें। जिम्मेदारी से कहता हूं, जब तक दुनिया में किरदार हुसैन जिंदा रहेगा, मुसलमानों में वफा भी रहेगी, जुरत भी रहेगी, सखावत भी रहेगी। इसलिए मुसलमानों को किरदार हुसैन का पैरा देना चाहिए, और किसी कुत्ते को हुसैन के खिलाफ जबान खोल देने को तो कितना भी करीबी हो उसको जूते की नोक पे रखना, इसलिए कि हमारे अकीदे में हुसैन से वफा सिर्फ हलाल ही कर सकते हैं। अगर कोई हुसैन की करबला के खिलाफ, हुसैन पाक के किरदार के खिलाफ, हुसैन पाक की कुर्बानी के खिलाफ जबान खोलता है तो हुसैन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि सीरत मुस्तफा के बाद सबसे ज्यादा जिस पर किताबें मिलती है उसे करबला कहते हैं, हुसैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बकने वाले खबीस अपने नसब का पता देते हैं कि हुसैन के खिलाफ खड़े हैं, अल्लाहु अकबर। और याद रखना, मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन वअला आलिही वअस्हाबिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تارے کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے बगीरदा बे बला उफ्ता द कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनद्दीन चिश्ती इमार हाए सुहुफ गुनचहाए कुदुस पार हाए सुहुफ गुनचहाए कुदुस अहले बैते नबुवत पे लाखों सलाम आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम खूने खैरुल रसूल से हैं जिनका खमीर खूने खैरुल रसूल से हैं जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम जिसका आँचल न देखा महो महर ने जिसका आँचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम वो हसन मुजतबा सैयदुल असखिया वो हसन मुजतबा सैयदुल असखिया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम वो शहीद बला शाह गुलगू कबाब बेकसो दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल दो अजीम अनावीन को अपने अंदर समेटे हुए हैं, एक तो शहजादा गुलगू कबाब शहीद करबला मुहाफिज़े दीने मुस्तफ़ा सैयदना इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही वाले सलाम और साथ ही साथ उनके ग़ुलामों के सच्चे ग़ुलाम हुजूर अकाए नेमत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम सैयदी मुफ्ती आज़म आले मुस्तफ़ा सैयदी मुफ्ती आज़म आलू रहमान मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही ताला अलैह की याद में भी ये महफ़िल को मुनक़िद किया गया है। और मुझे हुक्म है कि हर दो शख्सियात पर कुछ गुफ्तगू की जाए। उसी मुनासिबत से क़ुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर
उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। महफिल तो 1 बजे तक ख़त्म होनी है, वक्त में जितनी गुंजाइश है उसके मुताबिक मैं आपके सामने कुछ मारूजात पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ, और मज़ीद आप हजरात को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल अब बदल रहा है तो राजस्थान वालों को भी बदलना चाहिए। महफिल जल्दी शुरू करें, जल्दी ख़त्म करें, ताकि जो लोग कम से कम फजर पढ़ते हैं उनकी भी नमाज हो जाए, जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो रात के 3 बजे तक भी बैठना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जलसे की बरकतें होनी चाहिए, ना कि ऐसा हो कि जलसा जिस दिन हो उस दिन मस्जिद ही ज़्यादा खाली नज़र आए। तो इसका आप ख़ास ख्याल करें और अपने आप को तब्दील करें। देर तक जलसा चलाना कामयाबी की ये ज़मानत नहीं है, बल्कि जलसा 10 मिनट का ही हो लेकिन उसमें दिल बदलने चाहिए, उसमें फ़िक्र बदलनी चाहिए, उसमें सोच बदलनी चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उम्मीद है कि आइंदा आप इसका ख्याल फरमाएंगे। और सुन्नी दावत इस्लामी के कारकुनान से ज़्यादा गुजारिश है कि हम अवाम की फ़िक्र में ढलने की बजाय अवाम को शरीयत के सांचे में ढालने की कोशिश करें। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आया करीमा की तिलावत की गई, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जिसका मफहूम ये है कि बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो उस पर इस्तेकामत के साथ जम गए, डट गए। इस्तेकामत कहते हैं दीन पर जम जाने को और डट जाने को। जब वो दीन पर डट जाते हैं, जम जाते हैं, तो फिर हमेशा मुखालफत उसी की होती है जो दीन पर डटता है। इमाम अली मकाम की जो मुखालफत थी, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ 72 लोगों को लेकर के आए थे और लोग जो है वो आपके साथ नहीं थे? वो मुखालफत यजीद क्यों कर रहा था? इसलिए कि वो दीन मिटाना चाहता था, मौला हुसैन दीन बचाना चाहते थे। करबला की जंग दीन के तहफ्फुज की जंग है, करबला की जंग दीन की हिफाजत की जंग है। अंदाजा करें दीन कितना अहम है कि दीन पर डटने वाला जब दीन पर जम जाता है, डट जाता है, तो फिर लोग उसके मुखालिफ होते हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, के फरिश्ते उस पे नाजिल होते हैं। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के लिए जब कोई ये बात कहता है कि इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया, मैं लोगों से ये कहता हूं मेरे अजीज साथ देने की तो बात ही नहीं है। मौला हुसैन ने किसी का साथ नहीं लिया, बेशक इसलिए कि आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमाम ने किसी का साथ लिया नहीं, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम पाली वालों, ये जज्बाती बात नहीं बल्कि हकीकत है। अगर इमाम एक आवाज लगा देते, एक आवाज, तो मैदान करबला में तिल रखने की जगह बाकी नहीं। बेशक बेशक बेशक। लोग हमसे कहते हैं ये कैसे हो सकता है? हमने कहा आसान सी बात है, जब बेटों के बेटों के बेटों के बेटों का बेटा सरकार गौसे पाक से इतना कह दे कदमी हाजी अला रकबते कुल्ले वलीला, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल्लक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं जुब्दतुल आसार के अंदर कि पूरा उफुक भर गया, जगह नहीं थी, रूहे जमीन के सारे वली हाजिर हो गए, हत्ता के जो जहां था उसने गर्दन झुका दी, नजर नहीं आता था, उफुक भर गया। अगर बेटा गर्दन झुकाने के लिए बुलाए तो इतने आते हैं कि भर जाता है, अगर दादा दर गर्दन कटाने के लिए तो इतने आते कि जगह नहीं रहती, मगर हुसैन भी
बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी फैजाने इमाम हुसैन फैजाने गौसे आजम। भीड़ इकट्ठा होती तो लोग मरते कटते और लोग कहते दो ताकतवरों ने जंग की और उसके बाद एक हार गया एक जीत गया। इमाम ने कहा नहीं, यहाँ तो दीन बचाना है, एहतजाज दर्ज कराना है, और अगर किसी को मेरी इन दोनों बातों पे यकीन नहीं तो मैं कहता हूँ पाली की इस महफिल ही को देख लिया जाए। अगर 1400 साल के बाद उनके नाम पर कमजोर लोग बुलाएं तो बैठने जगह नहीं रहती। खुदा का हुसैन बुलाते तो करबला का हाल क्या। आप अंदाजा फरमाए हुसैन नाम की तासीर ये है, मेरे मौला के नाम में असर ये है। और अगर किसी को यहाँ भी यकीन ना आए तो फिर अल्लाह करे करबला में जाकर के देख ले, 24 घंटे में एक मिनट ऐसा नहीं होता जहां मौला हुसैन की चौखट पर मेला लगा नहीं होता। अंदाजा फरमाए ये इमाम आली मकाम है। तो लोग जब मुखालफत करते हैं तो अल्लाह पाक फिर क्या करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। 22,000 का लश्कर देखकर इमाम हुसैन क्यों नहीं डर रहे थे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह उस पर फरिश्ते नाजिल करता है और वो फरिश्ते उससे बात करते हैं, कलाम करते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, के घबराना मत खौफ मत खाना। फरिश्ते जिसको तसल्ली दे वो कैसे खौफ खा सकता है। घबराना मत खौफ मत खाना, वा अब शुरू बिल जन्नति लती कुंतुम तू अदून, उस जन्नत की तुझे बशारत है जिसका तुझसे वादा किया गया है। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, और हम तेरे दुनिया में भी मददगार हैं और आखिरत में भी तेरे मददगार हैं। अल्लाह अकबर। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र कसरत से होना चाहिए, कसरत से होना चाहिए। अभी नाज़िम महफिल हज़रत अल्लामा अरशद साहब फरमा रहे थे कि सर पे गुंबद रज़ा की नस्बत है और इतना अली अली क्यों करता है। मैंने कहा जो सच्चा रज़ा वाला होगा वो ज़्यादा अली अली करेगा। हाँ, लोगों को ये गलत फहमी है, लोगों को ये गलत फहमी है कि रजा वाले अली अली नहीं करते। मैंने कहा जो रजा के नाम पे धंधा करे उसका जिम्मेदार मैं नहीं, लेकिन जो सच्चा रजा वाला होगा उसका तो उठना भी अली के साथ है, उसका तो बैठना भी अली। आप अंदाजा फरमाएं पूरी अदाए के बख्शिश उठा करके देख ले, इमाम अहले सुन्नत ने जहां भी लिखा जिक्र अली ज्यादा किया, जिक्र अली ज्यादा किया। वरना इमाम अहले सुन्नत की हदाय के बख्शिश में फारसी जितनी मनकबतें हैं उठा करके देख लो सबसे ज्यादा जिक्र किसका है। चलो पूरी हदाय के बख्शिश नहीं, एक कलाम मैं पेश करता हूं और फिर उसमें देखो अली कहां नहीं। अगरचे हमारे अकीदे में खिलाफत अलग तरतीब है, फजीलत भी अलग तरतीब है, लेकिन जिक्र अली का अंदाज देखें। एक कलाम पढ़ता हूं, देखिए पूरी अदाए के बख्शिश नहीं। लोग कहते हैं देख से चंद दाने उठा करके चेक करो तो पता चलता है कि देख के अंदर है क्या, तो उसी चंद दानों का जिक्र करता हूं। अब आइए वो देखो क्या कहते हैं। कहते हैं झरझर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, झर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं, सैयारों के ताजे सर बनते हैं, सैयारों के हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलाते जर बने पुश्तारों के, खिलाते जर बने पुश्तारों के। अब देखिए तीन अशार हैं, अब उसमें अली कहां नहीं है। आइए मैं तरतीब की बजाय उसको अपने उनवान की मुनासिबत से पढ़ रहा हूं। और पाली वालों ये ना सोचना कि मैं कोई ऐसा इंसान हूं या कोई खतीब हूं कि हर दो जुमलों पे तुमसे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, क्योंकि मैं खतीब ही नहीं है, हुनर जानता ही नहीं हूं। मैं तो आशिकों का गुलाम हूं, सिर्फ इतना चेक करना चाहता हूं कि अली का जिक्र सुनकर अली के सुन्नी चुप रहते हैं या ये भी बोलना जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अली के नाम पर तो जानवर भी चुप नहीं रहते, अली के नाम पर तो पत्थर भी चुप नहीं रहते, अली के नाम पर तो मुर्दे भी बोल पड़े अगर खुदा उन्हें ईमान की दौलत। बेशक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो करें अल्लाह हू अकबर। एक कलाम
जिक्र अली की शान से मेरा इमाम करता है, कहते हैं तन मन धन तेरे कदम पर वारे। तवज्जो करना, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। अब सब यारों में अगर अली नहीं है तो फिर कौन है। इसमें अली का जिक्र आ गया, अब उसके बाद खास नाम लेकर के जिक्र हो रहा है। कहते सिदको अदलो करमो हिम्मत में, सिदको अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोरे हैं इन चारों के, चारों में अली नहीं है तो फिर कौन है। अल्लाह अकबर। लेकिन अब यहां पर चूंकि इशारे किनारे में बात हुई तो उस रजा का दिल नहीं भरा। अब कहते सबको इशारों किनारे में बयान किया, अब खास नाम लेकर के कहते हैं अल्लाह अकबर। बैरे तस्लीम अली, बैरे तस्लीम अली, मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, जाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम। अच्छा इस्तियारा भी देखे कितना खूबसूरत। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। तलवार कभी देखी है? नहीं देखी तो इंटरनेट पर देखना। तलवार, तलवार जो होती है वो यूं होती है, यूं होती है। हाँ, जिन इलाकों में नवाबों का और बादशाहों का दौर बहुत देर तक के रहा तो उनके यहाँ सलाम करने का तरीका ये है कि जब वो कहाँ तक दुरुस्त है कहाँ तक नहीं है, अभी इस पर मुफ्तियाने किराम गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ एक नासे की हैसियत से आपको शेर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जहाँ लोग सलाम करते तो यूँ करके करते हैं, यूँ। आप हैदराबाद चले जाएँ या नवाबीन के इलाके में लखनऊ वगैरह चले जाएँ तो वो सलाम ज़बान से भी करते हैं मगर यूँ हाथ भी उठाते हैं, यानी कि उनके यहाँ तस्लीम का अंदाज़ ये है। मेरे इमाम ने जब तलवार को यूं देखा तो तसव्वुर आया ये तलवार झुकी क्यों है, तो फौरन ख्याल आया गोया कि वो अली को अभी भी सलाम कर रहे हैं। बैरे तस्लीम अली, मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और एक बात आपको बताऊं, मेरे इमाम ने खुद एतिकादुल अहबाब में, आपकी शोरे आफाक किताब है, एतिकादुल अहबाब में लिखते हैं इमाम अहमद इब्ने हंबल के हवाले से कि जितनी अहदीस मौलाए कायनात की फजीलत में आई है उतनी अहदीस किसी की फजीलत में बयान नहीं की गई है। इमाम अहले सुन्नत एतिकादुल अहबाब में ये बात लिख रहे हैं। इससे पता चला, याद रखना, इमाम अहले सुन्नत ने जिस शान से जिक्र अहले बैत किया है ये उन्हीं का अंदाज है, उन्हीं का मिजाज है। और अल्लाह ने उनको ये सिला भी अता फरमाया कि नबी और आले नबी और असहाबे नबी की सच्ची गुलामी की है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनके नाम के डंके पूरी दुनिया में बजा दिए हैं। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, जिक्र अली खुल खुल के किया करो यार, और खिल खिल के किया करो। बल्कि आपको बताऊं, ये सहाबा का मसलक है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं जब किसी महफिल में मुनाफिक और मोमिनीन एक साथ जमा हो जाते और हम मजमे को छांटना चाहते कि मुनाफिक कौन है मोमिन कौन है, तो हम अली का जिक्र करते, जिक्र अली सुनकर जो खिल जाता समझते मोमिन है, जिसका मुंह उतर जाता समझते मुनाफिक। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अली मुर्तजा है, अली मुर्तजा के बारे मेरे आका फरमाते, अली तुझसे सिर्फ मोमिन मोहब्बत करे, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो मौला अली के नाम पे सियासत करे हम उनकी बात नहीं करते। हाँ, जो मौला अली के नाम पे सियासत करते हैं, सहाबा को गालियां देते हैं, उनसे हमारा रिश्ता क्या है। लेकिन जो अली मुर्तजा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हुजूर के यारों के इश्क के साथ, सहाबा की ताजीम के साथ, खुलफाए राशिदीन के एहतराम के साथ, फिर जाहिर सी बात है वो मोहब्बत तो मोहब्बत है। बात दूर निकल गई, अर्ज ये कर रहा था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में दीन बचाने के लिए गए थे, दीन के तहफ्फुज के लिए गए थे। आपने दीन के पूरे सिस्टम को जब खतरे में देखा तो सैयदना इमाम अली मकाम अपनी आल औलाद, अपने बाल बच्चों को लेकर के निकल गए। अल्लाह अकबर। इसलिए कि
आप जानते थे, मैंने सिर्फ एहतजाज दर्ज कराना है कि यजीद जो कर रहा है वो सही नहीं है, यजीद जो कर रहा है वो गलत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औरों की नज़र 3 साल के बाद जहां पहुंची, इमाम अली मकाम मेरे रसूल के शहजादे की निगाह, उनकी मुदब्बिराना और मुफक्किराना बसीरत की शान ये है कि यजीद को लोगों ने 3 साल के बाद ओपन किया, इमाम अली मकाम ने उसको तख्त पे बैठते ही ओपन फरमाया और आपने दीन का तहफ्फुज किया। यजीद के बारे में आपने सुना भी होगा कि वो जो है अल्लाह अकबर उन औरतों से जिनके साथ निकाह कुरान ने हराम करार दिया है उनके साथ माज अल्लाह वो निकाह को जायज करार देता था। शराब उसके दौर में आम था, जुआ उसके दौर में आम था। अल्लाह अकबर, नमाजों का हाल ये था, नमाजों की पाबंदी का कोई सिस्टम नहीं था, निजाम नहीं था, बल्कि यहां तक के भी बात लिखी गई है लिखने वालों ने कि कभी ऐसा भी हुआ कि जुमा की नमाज के खुतबे इतने लंबे किए गए कि असर का वक्त भी जाने लगा, टोकने वालों ने टोका तो उनकी गर्दनें उड़ा दी गई। यह अंदाज था, आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर। तो इमाम दीन बचाने गए थे। इमाम हुसैन एक मुकम्मल इनकलाबी का नाम है, इमाम हुसैन इनकलाब की दावत का नाम है, इमाम हुसैन फिक्र और जोहदे मुसलसल का नाम है, इमाम हुसैन दीन के तहफ्फुज का नाम है, इमाम हुसैन बहादुरी का नाम है, इमाम हुसैन जुरत का नाम है, इमाम हुसैन सदाकत का नाम है, इमाम हुसैन अमानत का नाम है। हैदर कर्रार के बाजू की कुव्वत को हुसैन कहते हैं, सहारा पाक की तरबियत को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। जहां खून नबी और शीरे बतूल जो है अल्लाह अकबर मुकम्मल तौर पर अपनी रानाइयां दिखाएं, उसी को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो कभी नबी की आगोश में, कभी अली की आगोश में, कभी सैयदा ताहिरा की आगोश में पलता है, परवरिश पाता है और तरबियत पाता है, उस जात को हुसैन कहते हैं। हुसैन एक इस्तकामत का नाम है। हुसैन पाक जो है अल्लाह अकबर बातिल की आंख में आंख डाल करके हक के पैगाम को दूसरे तक मुंतकिल करने का नाम है। इसीलिए आप देखें करबला के बाद दुनिया में जितने इंकलाबी पैदा हुए, करबला के बाद दुनिया में जितने इंकलाबी पैदा हुए, किसी ना किसी एतबार से उसकी कड़ियां इमाम हुसैन से जाके मिलती है, या नसब के एतबार से या दिल की मोहब्बतों के एतबार से। अल्लाह अकबर। कोई इमाम हुसैन से दूर रहकर न इंकलाबी बन सका, न बागैरत बन सका। हुसैन अल्लाह अकबर। हुसैन उस हस्ती का नाम है जिसने बद्र, उहुद, खंदक, खैबर इस मेहनत के तहफ्फुज को, इस मेहनत को तहफ्फुज दिया। बद्र की मेहनतें जाया हो रही थी, उहुद की मेहनतें जाया हो रही थी, खंदक और खैबर का मजाक उड़ाया जा रहा था। इमाम ने करबला मुनक्किद करके इन सारे गजवात की मेहनतों को तहफ्फुज फराहम किया है। अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हैं? वो शाबे अबी तालिब की 3 साल की घाटी का खुलासा 3 दिन के अंदर करबला के सब्र इस्तकामत ने पेश फरमाया है। दरअसल बात यह है, हमने इमाम अली मकाम को रस्मी तौर पर सुना, इस्मी तौर पर सुना। अल्लाह अकबर। हमने इमाम अली मकाम को चंद महदूद मामलात के अंदर जो है अल्लाह उनकी हदबंदी कर दी, उससे हम आगे ना बढ़े। वरना कहने वाले मुफक्किरीन ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इस एतबार से, फिक्र और नजर के एतबार से, मसलक की सबसे पहली जंग जिसने लड़ी है उसको हुसैन कहते हैं। लोग कहते मसलक क्या चीज है, हम कहते मसलक की जंग का सबसे पहला और बड़ा मुजाहिद उसी को दुनिया इमाम हुसैन कहती है। बेशक, बेशक। आप अंदाजा फरमाएं, इमाम अली मकाम उस इनकलाबी का नाम है। अब जरा तवज्जो सुनना, गौर करना। इमाम ने जो इनकलाब की फिक्र दी है दुनिया में, उसके बाद जितने इनकलाब आए, हर इनकलाबी को कहीं ना कहीं से नस्बत हुसैन मयसर है। जैसे मिसाल के तौर पर मामून का फितना खल्के कुरान जिसको धूल चटाया सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने। आप देखिए वो इमाम अली मकाम के बड़े शहदाई हैं और दिल के एतबार से इमाम से बहुत जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो आप देखें और अइमा किराम का सुकूत का कौल मिलता है,
लेकिन इमाम अहमद इब्ने हंबल ऐसे मजबूत तरीन हुसैनी है, हालांकि सभी मजबूत तरीन है लेकिन सबके अपने अपने अकवाल है, लेकिन आप किस कदर है, फरमाते यजीद काफिर भी है, लानती भी है, मलून भी है। इमाम अहमद इब्ने हंबल का फतवा है, और अहमद इब्ने हंबल कौन है? गौस पाक जिसका जिक्र करते हैं तो यूं कहते हैं इमामी कि अहमद इब्ने हंबल मेरा भी इमाम है, जो वलियों का इमाम जिसको अपना इमाम कहे उस अहमद इब्ने हंबल के इल्म का अंदाजा कौन कर सकता है। आपने यजीद पे कुफ्र का फतवा दिया है, अंदाजा फरमाए। तो मामून के फितने खल्के कुरान को जिसने धूल चटाया उसका ताल्लुक भी इमाम हुसैन से है। इसी तरीके से आप देखें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अकबर ने दीन बिगाड़ने की कोशिश की तो अल्लाह अकबर, अकबर के फितने को तो झूल तो धूल चटाता है वो हमारा मुर्शिद मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूक आजम का बेटा, वो भी पक्का और कट्टा हुसैनी है। और आपने जो इंकलाब बपा किया है, पता चला नामे हुसैन से खून में हरारत है, नामे हुसैन से खून में हरकत है, नामे हुसैन से इंसान में जुरत और बहादुरी है। इसी तरीके से आप देखें 14वीं सदी के अंदर बातिल फिरकों को जिसने धूल चटा करके तड़पता और बिलकता छोड़ दिया वो इमाम अहमद रजा भी कैसे पक्के हुसैनी है कि मैंने बेटों का नाम तो इमाम हसन इमाम हुसैन और अली पाक के नाम पर सुना पढ़ा भी, लेकिन बेटियों का नाम अली मुर्तजा के नाम पर अगर कहीं देखने में आया तो उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। आपने अपनी एक बेटी का नाम मुर्तजाई बेगम रखा, ये नाम कभी सुनने में आया? एक बेटी का नाम मुर्त कैसा अली का चाहने वाला है मेरा इमाम के अपनी बेटी का नाम भी लोग बेटों का नाम अली के नाम पे रखते हैं। अहमद रजा उस आशिक अहले बैत का नाम है जिसने बेटी का नाम भी अली मुर्तजा के नाम पे रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझते क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो जिसने धूल चटाया दुनिया के इन फिरकों को वो भी पक्का हुसैनी है। उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम को देख लें कि उन्होंने हुकूमत वक्त से जो टक्कर ली वो भी कितने पक्के हुसैनी थे। उनकी जिंदगी का बाब वक्त रहा तो मैं पेश करूँगा आपके सामने। फिर उसके बाद हिंदुस्तान की लड़ाई को देख लें, आज़ादी की जंग में जिन्होंने पहली ईंट रखी आज़ादी की, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर सबसे पहले जिसने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा पढ़ के सुनाया वो अल्लामा फजल खैराबादी कौन है? वो भी पक्के हुसैनी है। वो किफायत अली काफी मुरादाबादी जिनको अल्लाह अकबर जय वो मुल्क की आजादी की खातिर फांसी दी गई, जब फांसी दी गई और कलाम लिखते हैं तो वह कलाम तो पूरा पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन उसके दो मिसरे में आपके सामने पढ़ दूं ताकि पता चले वो कितना पक्का सैनी जिसे दुनिया काफी मुरादाबादी कहती है। कहते हैं अल्लाह अकबर नामे शाहाने जमा, नामे शाहाने जमा मिट जाएंगे लेकिन यहां, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी इंकलाबी आपको नजर आता है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इमाम हुसैन से होगा। जो हुसैन का नहीं है वो बुज़दिल है। बेशक बेशक। जहां हुसैनियत नहीं है इसलिए अपने बच्चों को हुसैनियत सिखाओ। आप सोचे हम लोग साया देख के डरते हैं, 22,000 का लश्कर देख करके कोई डर ही नहीं, अल्लाह कोई खौफ ही नहीं है। और जब तलवार चलाई है सबके चले जाने के बाद तो सामने आने की हिम्मत नहीं थी यजीदी लश्कर से किसी की। इमाम अली मकाम फरमाते हैं मेरे मुकाबले में जब लड़ नहीं है तो फिर भेजो, मैं तो कह रहा था कि न लड़ो, लड़ाई पसंद नहीं है लेकिन लड़ना है तो भेजो, मगर उन नामर्दों की हिम्मत नहीं हुई तो वो एक साथ मिल करके चारों तरफ से इमाम अली मकाम को घेरते हैं और 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम को जो सुबह से लेकर के दोपहर तक लाशें उठा रहे हैं, कभी बेटों की लाशें, कभी भतीजों की लाशें, कभी भांजों की लाशें, कभी अल्लाह अकबर
अल्लाहु अकबर, आवान और अंसार की लाशें। अंदाजा तो करें, इमाम आली मकाम अगर पहले ही शहीद हो जाते वो शहादत भी बड़ी रंगीन होती, लेकिन अल्लाह की मशीयत देखें, पहले शहीद नहीं हुए। करबला में आखिरी शहीद को इमाम हुसैन कहते हैं, और अगर करबला सुनने आए हैं तो मैं तो आई वक्त की किल्लत की वजह से छेड़ ही नहीं रहा हूं दास्तान करबला, लेकिन आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, अंदाजा करो, अल्लाह अकबर, अगर पहले भी शहीद हो जाते तो उनकी शहादत की रंगीनी कयामत तक बाकी रहती, लेकिन आखिरी में शहीद हो रहे मशीयत इलाही। मतलब क्या? अल्लाह अकबर, तीरों का जख्म जिस्म पे बाद में लग रहा है, तलवारों का जख्म जिस्म पे बाद में लग रहा है, पहले दिल पर बेटे का, जवान बेटे की शहादत का जख्म है, भतीजों की शहादत का जख्म है। कहने वाले कहते हैं, जिस्म पे लगने वाला जख्म उतना तकलीफ नहीं पहुंचाता, उतना नहीं तड़ पाता जितना दिल के जख्म तकलीफ पहुंचाते हैं, इसलिए कि जिस्म के जख्म तो भूल जाता है आदमी, जिस्म के जख्म पर मरहम रखकर उसका इलाज कर लेता है, लेकिन जो दिल के जख्म है वो कभी नहीं भुलाए जाते। तलवारों के जख्म खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिल पर गमों के जख्म आसानी से खत्म नहीं होते, इंसान उसको अपने साथ कफन में ले जाता है। आप भी औलाद वाले हो, जरा तसव्वुर करो मुसलमानों, अल्लाह अकबर, हम शबीए पैगंबर अली अकबर, अल्लाह अकबर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पाली की सरजमीन पर यह बात कहना चाहता हूं, मुसलमानों, आज मशरिक और मगरिब में सूरज ने जब चिराग नहीं बल्कि सूरज लेकर के ढूंढ लो, किसी का बेटा इतना खूबसूरत आज नहीं मिलेगा जितने खूबसूरत इमाम हुसैन के शहजादे शहजादे अली अकबर थे। इसलिए कि किसी का बेटा माँ के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, किसी का बेटा भाई के मुशाबे, किसी का बेटा चचा ताला के मुशाबे, इमाम हुसैन का शहजादा जिसे हम हजरत अली अकबर कहते हैं वो रसूलुल्लाह के मुशाबे है, वो तस्वीर मुस्तफा थे, वो तनवीर मुर्तजा थे। अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत बेटा, अब जरा कसौटी देखे, करबला की कसौटी देखे, तवज्जो करें, एक तरफ अली अकबर जैसा खूबसूरत बेटा है, एक तरफ अल्लाह का दीन है, और अल्लाह अल्लाह गैर से निदा रही, हुसैन इतना खूबसूरत बेटा बचाओगे या अल्लाह का दीन बचाओगे? बेटा बचाते हो तो दीन खाक में मिलता है, और दीन बचाते हो तो बेटा खाक में मिलता है, किसको चुनते हो? इमाम हुसैन की फिक्र देखो, हुसैन ने हम शबीए पैगंबर तस्वीर मुस्तफा अली अकबर जैसा बेटा खाक में मिला दिया, मगर अल्लाह के दीन को खाक में मिलने नहीं दिया। ये इमाम हुसैन की फिक्र है। अब आपसे पूछता हूं, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हम कैसे हुसैनी है? हमारे पास भी रोजाना ये इम्तिहान होता है, हमारे पास भी ये रोजाना इश्क का इम्तिहान होता है। कहने वाले मुफक्किर ने कहा है, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, इश्क की इंतहा का नाम हुसैन है, वफा की इंतहा का नाम हुसैन है, दीन के सच्चे मुहाफिज और पासवान का नाम हुसैन है। ऐ हुसैनी कहलाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ, इमाम का इम्तिहान हुआ करबला में, बेटा चाहिए दीन चाहिए, बेटा लुटा दिया, कैसा? अली अकबर जैसा। और एक बात आपको बताऊं, फिर कहता हूं करबला नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपकी कड़ियां, दिल की कड़ियां करबला से जुड़ जाए, माए और बहनों से भी कहता हूं, बताओ, अल्लाह अकबर, इब्ने असाकिर लिखते हैं कि जब तक इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मैदान करबला में आए थे, 56 साल से जायद की उम्र थी, और सदुल फाजिल फखरुल अमासिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं, 56 साल 5 महीने और 5 दिन की आपकी उम्र बताई जाती है, अल्लाह अकबर, यानी 56.5 साल की उम्र आपकी थी उस वक्त तक। इमाम हुसैन का, इब्न असाकिर लिख रहे हैं, इमाम हुसैन का सर का और दाढ़ी का एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ था, 56 साल की उम्र में भी इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के सारे बाल सिया और काले थे, अल्लाह अकबर। और भी रिवायतें हैं, देखो रिवायतें बहुत हैं, लेकिन अपने अपने ज़ौक की बात है। इब्न असाकिर के हवाले
से मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इब्न असाकिर लिखते हैं, थोड़ा तशरीह के साथ बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ, कि 56 साल से ज़ायद की उम्र में भी इमाम की दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद नहीं हुए थे, लेकिन जिस वक्त शहजादा अली अकबर की शहादत हुई, औलाद वाले हो थोड़ी देर के लिए महसूस करना, तुम भी माँ बाप हो, अल्लाह ने अल्लाह के फजल से हमें भी औलाद दी है। अगर बेटा तेज से बाइक भगा करके ले जाए तो हमें चैन की नींद नहीं आती, ऑफिस में बैठो तो बेचैन, घर में रहो तो बेचैन, किसी के साथ बैठो तो बात में दिल नहीं लगता। मेरा जवान बेटा तेज रफ्तार बाइक भगा के ले गया, खुदा जाने उसका क्या होगा, खुदा करे उसकी खैर हो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुसैन उस जिगर के, उस जिगर वाले की, उस जिगर वाली हस्ती का नाम है कि शादी का दूल्हा तो अपने बेटों को सब बनाते हैं। तवज्जो करना, हम हुसैन को क्यों ना चाहें, हुसैन पाक की गुलामी क्यों ना करें, जिम्मेदारी से कहता हूं, जब तक दुनिया में किरदार हुसैन जिंदा रहेगा, मुसलमानों में वफा भी रहेगी, जुरत भी रहेगी, सखावत भी रहेगी। इसलिए मुसलमानों को किरदार हुसैन का पैरा देना चाहिए, और किसी कुत्ते को हुसैन के खिलाफ जबान खोल देने को तो कितना भी करीबी हो उसको जूते की नोक पे रखना, इसलिए कि हमारे अकीदे में हुसैन से वफा सिर्फ हलाल ही कर सकते हैं। अगर कोई हुसैन की करबला के खिलाफ, हुसैन पाक के किरदार के खिलाफ, हुसैन पाक की कुर्बानी के खिलाफ जबान खोलता है तो हुसैन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सीरत मुस्तफा के बाद सबसे ज्यादा जिस पर किताबें मिलती है उसे करबला कहते हैं, हुसैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बकने वाले खबीस अपने नसब का पता देते हैं कि हुसैन के खिलाफ खड़े हैं, अल्लाह अकबर। और याद रखना, मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर। जिंदगी छत, इस्लाम की जिंदगी चाहते हो तो करबला को जिंदा रखना पड़ेगा, करबला का किरदार जिंदा रखना पड़ेगा। अर्ज क्या कर रहा था, शादी का दूल्हा तो सब बनाते अपने बच्चों को, हुसैन उस गयूर बाप का नाम है जिसने अपने बेटे को शहादत का दूल्हा बनाया है। अल्लाह अकबर। आप ये कुर्बानी कैसे भूल सकते हैं, और जब मुसलमान ये कुर्बानी भूलेंगे बुजदिल होंगे, दीन से दूर होंगे, जमीर फरोश होंगे और वफा से दूर होंगे। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम के बारे में इब्न असाकिर लिख रहे हैं कि 56 साल की उम्र तक सर और दाढ़ी के बाल काले हैं, लेकिन जब शहजादा अली अकबर की शहादत होती है, शहजादा अली अकबर की शहादत, और उस शहादत के बारे में भी ये जिक्र आता है, और लोगों ने बयान किया, लेकिन ये जिक्र आता है कि शहजादा अली अकबर के सीने में नेजा पेवस्त हो गया था, नेजा, और जब नेजा पेवस्त हुआ तो वो सैयदा के लाल का लाडला जमीन पर आया और जमीन पर आकर पुकारा, बाबा मेरी मदद को आइए। 18 साल के कड़ियल जवान बेटे ने जिस वक्त अपने बाप को पुकारा होगा, बाबा मेरी मदद को आओ, बेटा बुढ़ापे में असाए पीरी कहलाता है। जब जवान 18 साल के कड़ियल हमशबीये पैगंबर को अल्लाह अकबर नेजे से जख्मी करके सवारी से जमीन पे लाया गया, तपती हुई रेगसारों में, तपती हुई धूप में, तपते हुए उन जर्रात पर अली अकबर जब जमीन पर आए, बाबा मेरी मदद करें। मौला हुसैन ये मंजर खैमे के दरवाजे से देख रहे थे, जैसे ही बेटे की आवाज सुनी तड़प गए और सवारी को दौड़ा करके पहुंचे तो क्या देखा, शहजादा अली अकबर करबला की तपती हुई रेत पर है। अली अकबर शहजादे का सर लिया, अपने जानों पे रखा और चेहरे पर जब बाबा ने हाथ फेरा तो शहजादा अली अकबर ने आंख खोली और आंख खोल करके इतनी जुरत के साथ अली के पोते अली अकबर ने कहा, बाबा बहुत तकलीफ है, ये मेरे सीने से आप नेजा निकाले,
अगर नेजा आप मेरे सीने से निकाल दे बाबा, तो मैं अब भी उनसे लड़ने की जुरत रखता हूँ। बाबा जब तक मैं हूँ बाबा, आपको मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे सीने का नेजा निकाल दे आओ, मैं उनसे फिर लड़ूंगा बाबा। इमाम अली मकाम के दिल पर क्या गुजरी वो तो इमाम ही जानते हैं, लेकिन आपको महसूस करना होगा। अल्लाह अकबर, किसी का जवान बेटा एक्सीडेंट में मर जाए तो उसका हाल क्या होता है, लेकिन अल्लाह अकबर यहाँ तो 70 से ज्यादा लाशें पड़े हुए हैं, और फिर शहजादा अली अकबर कह रहे बाबा ये नेजा निकाल दे। इब्न असाकिर कहते हैं कि जिस वक्त इमाम ने अपनी 56 साल की उम्र की पूरी ताकत को इकट्ठा किया और शहजादा अली अकबर हमशबी पैगंबर के सीने से आपने नेजा खींचा, तो नेजे की अनी पर मौला अली अकबर शहजादा अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। जवान बेटे के दिल के टुकड़े को नेजे की नोक पर जब मेरे इमाम ने देखा और अली अकबर शहजादे ने दम तोड़ दिया, शहीद हो गए, तो उस वक्त आपकी कैफियत ये हुई कि सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। जब शहजादा अली अकबर को उठा करके मौला हुसैन खैमे की तरफ लाए तो सैयदा ज़ैनब ने कहा शहरबानो रुबाब उम्मे लैला देखो मेरे भाई पर जवान बेटे की शहादत का ये असर है कि हुसैन आज बूढ़ा हो गया। ये दर्द है करबला। अब आपसे पूछता हूं हुसैनियों, इमाम से करबला में इम्तिहान लिया गया, अली अकबर शहजादे को खाक में मिलाओ वरना दीन खाक में मिलता। इमाम ने बता दिया अली अकबर को तो खाक में मिलता हुआ देखूंगा, अपनी बीबियों के सुहाग को तो खाक में मिलता हुआ देखूंगा, अपनी बेटियों पर यतीमियत देख लूंगा, मगर अल्लाह के दीन को मिटता हुआ नहीं देखूंगा। हमसे भी रोजाना इम्तिहान होता है, एक तरफ दीन है एक तरफ नींद है, एक तरफ दीन है एक तरफ दौलत है सूद के धंधे हैं, एक तरफ दीन है एक तरफ पर्दा है। अल्लाह हो एक तरफ दीन है एक तरफ दीन है एक तरफ सूद के धंधे हैं, एक तरफ दीन है एक तरफ बेपर्दगी है। अब बताओ किसको तरजीह देते हो? दीन कहता है पर्दा कर, क्या हमारे घरों की बेटियों को हम पर्दे में रखते हैं? दीन कहता है फजर के लिए उठ और नींद कहती है सो जा, किसको तरजीह देते हो? अली अकबर जैसा बेटा दीन पे कुर्बान और यहाँ नींद कुर्बान नहीं होती? किस मुंह से हुसैनियत का दावा है? मस्जिदों को वीरान किया जाता है। आप क्या समझ रहे हैं? करबला की जंग इक्तदार की जंग नहीं थी। जो करबला की जंग को इक्तदार की जंग कहे उसको मारिफत अहले बैत हासिल ही नहीं है। वजह क्या है? अरे इक्तदार उसको लालच होती है जो साहिब इक्तदार नहीं होता। आपकी तवज्जो है? इक्तदार की लालच उसको होती है जो साहिब इक्तदार नहीं होता। इक्तदार वाला बैठता कहाँ है? तो कहा कुर्सी में बैठता है। इक्तदार वाला बैठता कहाँ है? कहा तख्त पे बैठता है। लेकिन मैं कहता हूं इंसान हमेशा अदना से आला की कोशिश करता है, आला से अदना की कोशिश नहीं करता। यही तो है, अगर कोई कारपोरेटर एमएलए बनेगा, ऐसा नहीं है कि एमएलए की सीट छोड़ करके कारपोरेटर बने। अगर कोई एमएलए है वो एमपी बनेगा, एमपी छोड़ करके जो एमएलए बनने की कोशिश करे बेवकूफ है। यही तो है ना, कोई वजीर की कुर्सी छोड़ दे और चपरासी बनने की कोशिश करे, बोलो नादान होगा कि नहीं होगा? अरे माँ का दूध पीने वाला नादान नहीं होता, सैयदा का दूध पीने वाला कैसे नादान हो सकता है? अल्लाहु अकबर, अक्लो खिरत करोड़ों मर्तबा जिसके तलवों को चूमे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन किस हस्ती का नाम है? अल्लाहु अकबर। तो अगर कोई कहे कि इक्तदार की जंग थी, हमने कहा इक्तदार वाले तख्त पे बैठते हैं, हुसैन को बचपने ही में नबी ने कंधों पे बिठा के बता दिया यहां बैठना किसका मुकद्दर है। नबी के कंधों का इक्तदार जिसको हासिल हो वो तख्त के इक्तदार के लिए क्या जा सकता है? आप मुझे बताएं तो नहीं, ये इक्तदार भी किसी का मुकद्दर है, ये मनसब भी किसी का, कभी कंधों पे है तो कभी पीठ पर है, और पीठ पर है तो हालत नमाज में है, और रसूलुल्लाह ने नमाज के लिए हालत नमाज में इमाम हुसैन का ख्याल करते हुए तस्बीह बढ़ाकर सजदे को लंबा करके बता दिया हुसैन पीठ पर तुम्हें ऐसे ही बगैर
अपनी मर्जी और चाहत के नहीं बिठाया गया कि आप आके बैठ गए, मर्जी से आप बैठे, लेकिन हमने अपनी मर्जी से सजदा लंबा करके बता दिया कि इस पुश्त का अगर कोई राकिब होने का हकदार है या तो हुसैन है या तो फिर उसका बड़ा भाई इमाम हसन है, जिसको ये इक्तदार हासिल हो। वो सिर्फ दीन बचा, दीन का सिस्टम बचाने गए थे। और अगर आज हमारे पास दीन की मोहब्बत नहीं है, दीन की मोहब्बत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हुसैनियत से फिर हमारा ताल्लुक क्या रह जाता। अगर आप सिर्फ कड़ों को, सिर्फ ये कड़े नाड़े पर हुक्म मुफ्तियाने किराम बयान करेंगे, लेकिन मैं आपको बुरा मत मान, सिर्फ कड़ों को, सिर्फ नारों को और सिर्फ 10 दिन कपड़े काले पहनने को या किसी और रंग के कपड़े पहनने को हुसैनियत समझते, सिर्फ उसमें नमाज भी ना हो, उसमें बेपर्दगी हो, उसमें हराम कारोबार हो और आप अपनी मर्जी से जी रहे हों, औरतों पे पाप की नज़र भी डाल रहे हों, फिर उसके बाद आप गेम पर ले करके घंटों बैठे हो नमाज के वक्त में और फिर सोचते हैं कि मैं हुसैनी हूँ और कपड़े और कड़े और नाड़े मुझे हुसैनी बना देंगे, तो ये आपका खाम ख्याल है, बहुत खाम ख्याल है। क़यामत के दिन अगर आज दीन से वफा नहीं की तो यजीद के साथ उठने के लिए तैयार रहना। पाली वालों, जुमले कड़े हुए लगे तो, कड़वे लगे तो माफ़ कर देना, लेकिन अगर नमाज के लिए उठने की तौफीक नहीं है और घरों के अंदर फ्रिज में शराब की बोतलें रखी हुई है, तो क़यामत के दिन यजीद जैसे पलोई के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ, उस मलून गंदे के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। अगर औरतों पर पाप की नज़र डाल रहे हो, इब्ने कसीर बिदाया अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि यजीद का किरदार क्या था, उसने तो अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली, कितना गंदा था वो इंसान। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, उसने अम्मा जान आयशा सिद्दीका को गंदी गाली दी, वो गाली लिखी गई है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, जिसके लिए अल्लाह पाक ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की हो, हम अपनी उस अम्मी जान के लिए वो बयान करें। कितनी गंदा वो इंसान था, अम्मा जान आयशा को गालियां दे रहा है, अल्लाह अकबर, उसके बाद अपनी खुद की सौतेली मां पर पाप की नजर डाल रहा है। तो अगर आपकी नजर पड़ोस की बीवी पर पाप के पड़ती है, तो फिर आपका हुसैनियत से क्या ताल्लुक है? हुसैन तो निगाहों की तत्हीर का नाम है, हुसैन तो कानों की पाकीज़गी का नाम है, हुसैन तो दिल की सफाई का नाम है। जहां हुसैनियत आ जाए, वहां इंसान 17 दिल की दुल्हन छोड़ करके हजरत इब्ने कल्बी की तरह, अब्दुल्ला इब्ने उमर कल्बी की तरह 17 दिन की दुल्हन छोड़कर हुसैन पाक के नाम पर करबला में कुर्बान होते। अल्लाह अकबर, ओहद में पहली रात का दूल्हा कुर्बान हुआ गसीलुल मलाइका हजरत हंजला की शक्ल में, तो इब्ने उमर कल्बी की शक्ल में करबला में भी 17 दिन का दूल्हा कुर्बान हुआ है। मुसलमानों, इस दीन को जो पामाल कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि रोजाना जो 5 वक्त की अजानें होती है, कितनी औरतें बेवा हुई हैं, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, तब कहीं जाकर यह दीन हमारे घर पहुंचा है। अगर आज हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां इर्तिदाद की तरफ, कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ जा रही है और हमारे कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दीन सिर्फ चांद के टुकड़े बता करके नहीं फैला, ये दीन सिर्फ सूरज को पलटाना दिखा करके नहीं फैला, इस दीन के अंदर मेहनतें हैं, रसूलुल्लाह की मेहनतें, असहाबे रसूल की मेहनतें, खुलफाए राशिदीन की मेहनतें, अहले बैत अतहार की मेहनतें। सोचो उन औरतों के उजड़ते हुए सुहाग का क्या जवाब है आपके पास, उन नन्ने नन्ने बच्चों के यतीम होने का क्या जवाब है आपके पास। अगर हम जिना के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, हुसैनियत से क्या ताल्लुक है? यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। अगर मस्जिदों को वीरान कर रहे हो, यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। अगर सूद के धंधे कर रहे हो, यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। अगर कौमे लूत से अमल कर रहे हो, यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। लोग कहते हैं यजीद इतना बुरा नहीं था जितना कहा जाता है, अल्लाह अकबर। इब्ने कसीर, हालांकि इब्ने कसीर इब्ने तैमिया से मुतासिर आदमी है, उसके बावजूद भी उसने लिखा है वो लड़कों के साथ बदफेली करता था, लड़कों के साथ बदफेली करता था, बंदर नचाता था। और अगर आप सैयद महमूद आलूसी की फिक्र उठाकर देखें, तो उन्होंने तो यहां तक लिखा है, सैयद महमूद आलूसी फरमाते हैं, उसने कहा अगर दीने मुहम्मदी में शराब पीने की इजाजत नहीं है, तो चलो ईसाई बनकर शराब पी लेते हैं। जिसकी फिक्र यह थी, ओ नशे को प्रमोट करने वालों, किसके साथ खड़े हो, किसके साथ खड़े हो? हुजूर सैयदी मुफ्ती आजमी रहमतुल्लाह अलैह का पुरस मना रहे। मुफ्ती आजम का कारनामा क्या है? वो मुफ्ती आजम इमाम हुसैन के नालैन के सदके खुदा ने उनके अंदर किरदार हुसैनी को जो वो पैदा कर दिया था। आपकी शान देख, आपका सबसे बड़ा कारनामा क्या है?
आपका सबसे बड़ा, आपने ट्रेन को रुकते हुए देखा, सुना कि नमाज के लिए ट्रेन रुक जाती थी, आपने सुना उनकी करामतें, लेकिन आज मैं किसी करामत पर जिक्र करने की बजाय मैं उनकी उस करामत का जिक्र करूंगा जो इमाम हुसैन की करामत का परतो थी, अक्से जमील थी। हुसैन पाक ने करबला में दीन बचाया। सैयदी मुफ्ती आजमीन रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र क्या थी जिस वक्त एक तहरीक चली फितने इर्तिदाद की, नाम नहीं लूंगा, आप उलमा से बार बार नाम सुन चुके हैं, इसलिए कि बहुतों का नाम न लेना ही उनकी तड़प का सबब बन जाता है। तो एक तहरीक चली फितना इर्तिदाद, इर्तिदाद किसको कहते हैं, दीन छोड़कर, दीन छोड़कर वापस से दूसरी गंदगी को कबूल कर लेना, बहुत ताकि जो दीवार के पीछे के कान हैं उनका भी ख्याल करते हुए मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, वरना आजकल तो ये दस्तूरे जबा बंदी है, कैसा तेरी महफिल, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबा में, तो हमें तो गुफ्तगू जो है वो हमें यही करनी है ना, उनका नाम क्यों लें। उन्होंने तहरीक चलाई, किन्होंने, मुनकरीन इस्लाम ने, के जो लोग नूर में आ गए थे फिर से उनको कुफ्र के अंधेरे में ले जाएं। अब समझ में आई बात, जो लोग हिदायत पे आ गए थे फिर से उनको गंदगी की तरफ ले जाए। और फिर वो तहरीक चली, उस तहरीक के वक्त हुजूर मुफ्ती आजमीन के वालिद आला हजरत दुनिया से जा चुके हैं, मुफ्ती आजम ने देखा दीन खतरे में, उठ के खड़े हुए और महीनों महीने घर नहीं गए, दौरा करते थे बगैर बुलाए, देहात देहात फिरते थे, एक फिक्र थी कौम को मुर्तद होने से बचाएं, कौम को कुफ्र की तरफ पलटने से बचाएं। और उनका साथ देने वालों में हुजूर शेर-ए-शाह अहले सुन्नत हजरत मौलाना हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके साथ देने वालों में हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद सैयद मोहम्मद के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके साथ देने वालों में हजरत सैयद जैवो हुजूर ताजुल उलमा सैयद मोहम्मद महरवी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके साथ देने वालों में हुजूर शेखुल मशायख आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका साथ देने वालों में सदरुश शरिया बदरुत तरीका हजरत मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके साथ देने वालों में हजरत अल्लामा सैयद जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके गोया के ये हमारे मुखलिसीन उलमा की एक बहुत बड़ी टीम थी जो रातों को सोते नहीं थे, रातों को मंसूबे बनाते थे, फुला पूरा देहात हाथ से जा रहा है तुम्हें वहां पहुंचना है, फुला पूरा देहात हाथ से जा रहा है तुम्हें पहुंचना है, और उनको फिर से वापस लाना है। वो तकरीरें करते थे, उनकी जिंदगियां ये थी, वो महीनों महीनों इर्तिदाद की तहरीक का मुकाबला करने के लिए घर लौट कर नहीं गए, पैदल चलते चलते, चूंकि आज उनवान मुफ्ती आजम है, पैदल चलते चलते उस मुफ्ती आजम के पैरों में छाले पड़ते थे, ऐसी जगह भी गए जहां दरिया पार करना है और लिबास एक ही है, तो दरिया पार करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई वसीला नहीं है, तो चल करके दरिया पार किया और दूसरे किनारे पे पहुंच करके कपड़े निचोड़े, उन्हें कोई बुलाने के लिए नहीं आता था, एक फिक्र थी अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मुनहरिफ जो हो रहे हैं रोक लिया जाए। मुफ्ती आजम का वो तजदीदी कारनामा है, अगर हम उनको मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद भी कह दें तो मैं इसको जो है वो आंखों पर और सर पर कबूल करता हूं, क्योंकि उनके बाबा ने, तवज्जो करें, उनके बाबा ने करोड़ों को का ईमान अगर बचाया है 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर, तो मुफ्ती आजम आला हजरत के उस सपूत का नाम है जिसने करोड़ों मुसलमानों को पैदल चल चल करके काफिर होने और मुर्तद होने से बचा लिया है। आपसे पूछता हूं, लेकिन कल इर्तिदाद की जो तहरीक चल रही थी, तवज्जो करना, हमारी जिम्मेदारी क्या है? मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम का नाम लेने वालों, अपने बुजुर्गों का किरदार तो नजर में रखो। कल जब इर्तिदाद की तहरीक चल रही थी तो मखसूस मजहबी तबका तहरीक चला रहा था, हुकूमतें उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन आज इर्तिदाद की तहरीक चल रही है और आज तो हुकूमतें भी शामिल है, हमारा उसके साथ मुकाबला करने के लिए क्या प्लान है? आज तो हमारे दरमियान मुफ्ती आजम नहीं है, हमारे दरमियान मुहद्दिस आजम नहीं है, हमारे दरमियान आला हज़रत अशरफी मियां नहीं है, हमारे दरमियान सदुल अफाजिल नहीं है, हमारे दरमियान सदुल शरिया नहीं है, हमारे दरमियान अल्लाह अकबर जफरुद्दीन बिहारी नहीं है, अल्लाह अकबर हमारे दरमियान हुजूर शेर-ए-शाह अहले सुन्नत नहीं है। हमने क्या प्लान किया है?
बेटियों को बेटों को मुर्तद होने से बचाने के लिए, यही कि हम अपने बेटे को बाजू में बिठाकर सीरियल के नाम पे जिना के मनाजिर दिखाते हैं, हम अपनी बेटियों को मुनकरीन इस्लाम की और उनके माबूदान बातिल की कहानियां अपने साथ बिठा कर दिखाते हैं। मुसलमानों याद रखो, जिस वक्त कोई बेटी या बेटा इस्लाम छोड़कर कहीं और जाता होगा तो उस वक्त गुंबदे खजरा में रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, किसी और का हाथ पकड़कर जाने वाली बेटियां हुजूर के दिल को कितना बेचैन करती होगी, हुजूर के दिल को कितना बेकरार करती होगी। एक दिन में तीन तीन मर्तबा पेट भर के खाने वालों और आठ आठ घंटा नींद करके सोने वालों, एक एक दिन में दो दो तीन तीन मर्तबा कपड़े बदलने वालों और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने वालों, क्या इनके ईमान का जाना भी किसी को बेचैन करता है? इनका ईमान का जाना भी हमें बेकरार करता है? बताओ, कयामत के दिन अगर इमाम हुसैन ने गिराबान पकड़ करके पूछ लिया कि मैंने तो अली अकबर जैसा लाल कमा करके अल्लाह का दीन बचाया था, जब मेरे नाना के दीन पर हमला हो रहा था तूने क्या कुर्बानी दी थी, तूने क्या मेहनत की थी, तूने क्या कोशिश की थी, बल्कि औरों की बेटियां तो तूने ना बचाई, तूने खुद की बेटी भी नहीं बचाई, तूने खुद की बेटी की आबरू ना बचाई, तूने खुद के बेटे की आबरू ना बचाई, बताओ कैसे ईमान बचाओगे, ईमान कैसे बचाओगे, दीन कैसे बचाओगे? मुफ्ती आजम का नाम लेते हो, इमाम हुसैन का नाम लेते हो, बुजुर्गों का नाम लेते हो, उनके जज्बात कहां है, उनके अफकार कहां है, उनके नजरियात कहां है, उनकी मेहनतों के जज्बात कहां है? अल्लाह अकबर, शायद हमने बुजुर्गों के नाम पे धंधा किया है, बुजुर्गों के नाम पे वफा करो वरना एक दिन मरना है। जिस्म का रिश्ता जब रूह से टूट जाएगा हड्डियों को भी कब्र के कीड़े खा जाएंगे, निशाने कब्र में मिट जाएगा। अगर जिंदा रहना है अल्लाह के दीन के लिए कोई मंसूबा करो। मैं ये नहीं कहता चले ठीक है आप अवाम में से हैं तो आप ये करें वो करें, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं अपने घर में दीन बचा लो, बस अपने घर में दीन बचा लो, तुमसे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं, अपने घर में दीन बचा लो। क्या हमारे घर में दीन महफूज है? बताओ हमारे घर में दीन महफूज है? हमारी बेटी आदि अस्तिन के कपड़े पहनकर कोचिंग जा रही है, बाप को शर्म क्यों नहीं आती? बाप की गैरत कहां गई है? बेटा फटी हुई जींस पहन करके पूरा सतर नंगा करके पूरा मोहल्ला घूम रहा है, बाप को गैरत क्यों नहीं आती? हम बेटे को स्कूल जाने के लिए तो 5 बजे और सुबह 6 बजे ठंडी में जगाते हैं, कभी हमने अपने बेटे को फज्र की नमाज के लिए भी जगाया है? बताएं, अगर 500 की नोट 1000 की नोट को 1000 रुपये गुम हो जाए, दिन भर हमारा मूड ऑफ होता है, फजर छूटने पर अपना मूड ऑफ क्यों नहीं होता? हमारी पेशानियों पर उस वक्त तो सिलवटें कहां जाती है? जो कौम 1000-2000 से ज्यादा फजर की नमाज को अहमियत ना दे उस कौम का हुसैनियत से क्या ताल्लुक है? आप मुझे बताएं, बुरा लगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हुसैनी नहीं है, मैं तो ये कहता हूं आप बहुत बड़े हुसैनी हैं, आपकी जूतियां हमारे सरों का ताज है, इसीलिए तो इमाम हुसैन के महफिल में आ पाए। मगर आपसे पूछता हूं मुसलमानों कभी गौर तो करो, गौर तो करो, ध्यान तो दो, ये मेहनतें देखो। एक बात आपको बताऊं, अगर एक छोटा सा बच्चा एक घरौंदा बन, राजस्थान वाले घरौंदा समझते हैं, घरौंदा किसको कहते हैं, एक घरौंदा, एक छोटा सा बच्चा घरौंदा बनाए, तवज्जो करो, छोटा सा बच्चा घरौंदा बनाए और उस बच्चे के घरौंदे को कोई लात मार के तोड़े तो नन्ना सा बच्चा चीखता है कि नहीं, चिल्लाता है कि नहीं, हाय मेरी मेहनत, मैंने मिट्टी का घरौंदा बनाया इसने तोड़ दिया। बताओ तो सही, जब किसी के मिट्टी के घरौंदे को कोई लात मारे तो बच्चा होकर वह इतना तड़पता है। इस दीन का ये जो अजीम ताजमहल तामीर हुआ है इसमें अहले बैत के खून की सुर्खी है, इसमें सहाबे किराम की औरतों की बेवगी है, इनमें असलाफ के बच्चों की यतीमी है, इसमें अल्लाह के रसूल के दंदान की शहादत है, इसमें रसूलुल्लाह के चेहरों का लहू है, इसमें हुजूर की नालैन खून से भर गई थी, उस मंजर को याद करो। बाप की मेहनतों का एहसास है, रसूलुल्लाह की मेहनतों का एहसास कब करोगे? आप कहते हैं हम पूरी दुनिया में दीन का परचम लहरा देंगे, मैं कहता हूं आपको पूरी दुनिया में दीन का परचम लहराने की बात आपके उलमा नहीं कहते, आप अपने घर के बादशाह हो, आप दीन अपने घर में कायम कर लो, बस हर बंदा अपने घर में दीन का परचम लहरा दे, आपके घर में दीन का परचम नाफिज हो गया पूरी दुनिया में खुद ब खुद दीन नाफिज हो जाएगा, कतरे कतरे
खतरे से दरिया बनता है। अगर आप वाकई हुसैनी बनना चाहते हैं, आपको बताऊं हुसैनियत क्या है। इमाम अली मकाम ने आखिरी वक्त भी सजदा किया, आखिरी वक्त भी। भैया आखिरी वक्त क्या चीज होती है, जरा अंदाजा तो करें। आखिरी वक्त बीबियों का तसव्वुर, आखिरी वक्त बेटों का तसव्वुर, आखिरी वक्त माल का तसव्वुर, आखिरी वक्त क्या क्या होता है। लेकिन जब मेरे इमाम को 33 और 34 जख्मों ने घेरा और पूरा जिस्म जो है वो तीरों से लहूलुहान हो गया, पूरा जिस्म, और एक नेजा सर पर आया है, आप इमाम अली मकाम की शहादत को सुनते कब बदलोगे, कब तब्दील होंगे, अपने आपको कब तब्दील करोगे। अरे राहिब ने, एक ईसाई राहिब ने शहादते हुसैन सुनकर के अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया। आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी जिंदगी 10-10 दिन शहादत के जलसे कर रहे हो, राहिब ने एक बार शहादत सुनी और हक पर आ गया, आप पूरी जिंदगी से शहादत सुन रहे हो, कब बदलोगे, कब तब्दीली आएगी। शहादत का बयान सुनकर वही जिना के अड्डे, शहादत का बयान सुनकर वही हराम कारोबार, शहादत का बयान सुनकर के घर के अंदर वही नमाजीपन, कब बदलोगी। इसका मतलब आपने शहादत को क्या समझ रखा है, दास्तान समझ रखा है, कोई घड़ी हुई। वल्लाह ये तवातुर के साथ रिवायतें हैं, चंद बातें गैर जरूरी लोगों ने डाल दी अलग बात है, लेकिन सदुल फाजिल ने हमारे इमाम के खलीफा और अजीम मोतमर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ऐसी मोतबर हस्ती ने समाने करबला लिखी, उसमें मोतबर रिवायतें हैं। फकीह मिल्लत जलालुद्दीन अमजदी साहब ने लिखी, आईने कयामत पर तो आला हजरत और मुफ्ती आजम की तस्दीकात मौजूद है, सिर्फ शहादतें पर जो शाह अब्दुल अजीज की है, इमाम अहले सुन्नत ने उसको ही मोतबर करार दिया। आप अंदाजा करें ये सुनकर भी क्यों नहीं बदलते, क्यों तब्दील नहीं होते। अल्लाह अकबर, 3 दिन के भूखे प्यासे, साकिए कौसर का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा है। आप जरा गौर करो मेरे भाई, गौर तो करो। अगर 16 घंटे का 14 घंटे का रोजा रख लो, मगरिब का वक्त आते आते आदमी बेटों का ख्याल भूल जाता है, सोचता है कि अजान कब होगी, और उसकी नजर शरबत पर और पानी पर होती है। जिसने 70 से जायद लाशें उठा करके सुबह से दोपहर तक खेमों में रखी हो, और पूरा दिन पूरा वजूद जो वो तीरों से छलनी हो, और सर पर तीर आ करके लगा हो, और गश खा करके मेरे इमाम जमीन पर आ गए हो, यानी अर्श का तारा टूट करके जमीन पर आया। आपको बताऊं, हजरत सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हमारे मुर्शिद, हम चिश्तियों के सिलसिले चिश्तिया की आबरू, हम कादरियों का फख्र, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फारूक आजम का वो शहजादा। बाबा फरीद कहते हैं, आशूरा की शब एक नेक औरत ने ख्वाब देखा कि एक बापर्दा खातून है जो एक मैदान के अंदर कंकरियां चुनती है, और कंकरियां चुन करके अपने दामन में डालती है, कंकरियां चुनकर अपने दामन में डालती है। तो बाबा फरीद फरमाते हैं, उस खातून ने पूछा, बीबी ये आप इतने जौक के साथ कंकरियां चुनकर अपने दामन में डाल रही हैं, आप कौन है, कंकरियां चुनने वाली कौन है। उस खातून ने कहा, मुझे नहीं पहचाना, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहजादी हूँ। शहजादी है कौनो मकाम, मखदूमे कायनात, आप कंकर चुन रही है, सारी दुनिया जिसकी खैरात पर पले वो कंकर चुन रही है, जर जवाहरात जिसके नालैन के सदके में तकसीम हो वो कंकरियाँ चुन रही है। शहजादी है कौनो मकाम, मलकाए दो जहाँ, मखदूमे कायनात, मलकाए फिरदौस बरी ने कहा, क्यों ना चुनूँ माँ हूँ ना, क्यों न चुनूं माँ हूं ना, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ चिड़िया भी हो तो माँ होती है, माँ माँ होती है। 14 सदियों के बाद दीन से इतनी गाफिल माएँ भी माँ माँ होती है कि बेटे की आंखों में आंसू देखती है तो अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछ लेती है। किसी कहने वाले ने कहा है कि मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ माँ होती है, माएँ गाफिल होकर भी इतनी ममता रखती है। वो माँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में पली थी, वो माँ जो खदीजतुल कुबरा की गोद में पली थी, उस माँ की ममता का आलम क्या होगा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, वो खातून पूछती, बीबी ऐ सैयदा आप कंकरियां चुन रही हैं, फरमाया मैं माँ हूं ना, आज 9 मुहर्रम की का दिन गुजर कर शब आशूर है और मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में है, कल जब हुसैन का पूरा वजूद छल्ली होकर ज़मीन पे आएगा तो इसी जगह पे गिरेगा, इसी मकाम पर मेरे बेटे हुसैन को गिराया जाएगा। माँ हूँ ना,
इस जगह को पहले ही साफ कर रही हूँ, मेरे हुसैन को कंकर न चुभ जाए, मेरे हुसैन को कंकर न चुभ जाए, इसलिए यहाँ के कंकर उठा रही हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम, जब पूरा वजूद तीरों से छली हुआ, अब कोई है भी नहीं, जो गिरता था उठाने के लिए हुसैन आते थे, आज हुसैन को उठाने वाला कोई नहीं है, एक ज़ैनुल आबिदीन है, एक ज़ैनुल आबिदीन मेरा इमाम, जो बिस्तर पर बेहोश हैं, चमड़े के बिस्तर पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम अली मकाम ज़मीन पर आते हैं, आने के बाद ख्याल आता है नाना की आंखों की ठंडक, इमाम कहते रुको नमाज अदा कर लेने दो, नमाज अदा कर लेने दो, इमाम नमाज अदा कर दे, नमाज अदा कर, न मस्जिद के न बैतुल्ला के साए में, न मस्जिद के न बैतुल्ला के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हमारे फुकहा ने कहा शहीद का खून पाक होता है, इसीलिए तो शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, बगैर गुस्ल के उसी खूनी कपड़ों में लपेट करके उसको दफन कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। शहीद का खून नेकियों के तराजू में, मीज़ान पर, नेकियों के पल्ले में तोला जाएगा। मेरे इमाम आखिरी वक्त में नमाज अदा करते हैं, और जब नमाज में हालत सजदा में सर को ज़मीन पर रखते हैं, अल्लाह अकबर, सोचो जो दीन बचाने निकलता है वो दीन पर यूं अमल करता है। हम दीन के बड़े मुहाफिज और ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीन हमारी ज़िंदगी में काहे, कहाँ है दीन अपनी ज़िंदगी में। इमाम ने सर सजदे में रखा, और सर सजदे में रखा तो गर्दन पर तलवार चलनी शुरू हुई। सिनान का नाम आता है, खोली का नाम आता है, शिमर का नाम आता है। सारी रिवायतों की तदबीक यूँ पाती है कि सब ने मिलकर इमाम को घेरा और इमाम अली मकाम को से शहीद किया। अल्लाह अकबर। उस ताज़े ज़मन से जो है वो उनकी इबारतों का खुलासा लेके बतौर मफहूम पढ़ूँ। इमाम हुसैन की शहादत बरकत के लिए, जिसके दिल में जो जायज़ मुराद है अपने दिल में मुराद ले लें। मेरे इमाम की जब हम शहादत पढ़ते हैं, गाजी अब्बास की, शहजादा इमाम अली अकबर की, शहजादा इमाम अली असगर की जब हम शहादतें पढ़ते हैं, तो लोगों से कहते हैं जो जायज़ मुराद है दिल में ले लो, इंशाल्लाह पूरी होगी। और खुदा की कसम मेरा तजुर्बा है, मेरे शहर माले गाँव के लोग गवाह, जो मुराद लेता है साल आने से पहले मुराद पूरी होती है। मैं उसूल बरकत के लिए इमाम की शहादत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम ने सर सजदे में रखा, ऐलान हो रहा है, मुनादी हो रही है, ए हूरान बहिश्त अपने बाल खोल दो, और खोल करके करबला की धरती पर अपने गोया के बालों को बिखेर दो, ठंडे पानी के शरबत तैयार रखो, जन्नत को आरास्ता करो, इसलिए कि अब करबला का ताजदार अल्लाह अकबर आखिरी में जामे शहादत नोश करने वाला है। ठंडे पानी के शरबत, ठंडे पानी के गड़े मटके, वो जन्नती बर्तन तैयार थे, शरबत के प्याले गोया के मुंतजिर थे, जन्नत इंतजार कर रही थी। हुराने बहिश्त ने गोया के अल्लाह अल्लाह अपने आप को सजा कर संवार करके तैयार किया था। ऐसे में इमाम ने सर सजदे में रखा, आसमान का सीना लरज लरज गया, जमीन की छाती कांप कांप गई, तारे आपस में एक दूसरे से टकराने की कैफियत में आ गए, सूरज गहनाने के करीब आ गया, दिन रात में तब्दील होने वाला था। अल्लाह अकबर। अब हमेशा के लिए गोया के अल्लाह अकबर शहजादे रसूल आलम बाला की तरफ जाने वाला था, और कायनात के अंदर अंधेरा होने वाला था, सात दिन खून की बरसात होने वाली थी। करबला का वो ताजदार अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल करके, घर लुटाकर, सर कटा करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वाला था। अल्लाह अकबर। ऐसे में शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहन करके वहां मौजूद थी, हुक्म हुआ जल्दी से करीब आ, शहादत सुर्ख जोड़ा पहन कर जो मौजूद थी वो दौड़ कर आई और इमाम अली मकाम के को लिपट गई, और इस तरीके से सरकटा, जैसे ही सरकटा, इमाम ने सरकटा करके जामे शहादत नोश पिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस वक्त इमाम का सरे अनवर काटा जा रहा था, गैब से सदा बुलंद हो रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिकि राजियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन सर सजदे में रख करके कह रहे थे मौला सब लुटा दिया, अब सर रख दिया है, बता तू राजी है कि नहीं। तो मशीयत की तरफ से ऐलान हो रहा था, हम तो राजी है, ये तू बता कि तू राजी है कि नहीं। हर शहीद का खून जमीन पे गिरता है, लेकिन हदीसें इशारा करती है शहदाए करबला का खून
कोई समेटने वाला मैदान में मौजूद था। इमाम हुसैन की कुर्बानी को देखने के लिए रसूलुल्लाह खुद तशरीफ लाए, सैयदा फातिमा खुद तशरीफ लाई, अली मुर्तजा खुद तशरीफ लाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा, रसूलुल्लाह के दाढ़ी शरीफ के बाल बिखरे हैं, सरे अनवर के बाल बिखरे हैं और जिस्म अतहर पर खून के निशानात मौजूद हैं। वो रसूल नींद में भी जिसकी जुल्फें कभी न बिखरी, इसलिए कि जिसकी जुल्फों को पंजे कुदरत सजाए, शानए पंजे कुदरत जिसकी जुल्फों को सजाए, शानए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसु। जिसकी जुल्फें बद्र उहद के हंगामे में न बिखरी, जिसकी जुल्फें खंदक खोदते वक्त न बिखरी, हाय करबला कैसा हादसा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा अल्लाह के रसूल की दाढ़ी बिखरी है, जुल्फे बिखरी है, आंखों में आंसू है, बदन पर खून के धब्बे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे या रसूल अल्लाह, आपका ये हाल है हुजूर, इस हाल में हुजूर। आका फरमाते हैं, इब्ने अब्बास मैं मैदाने करबला में था, सुबह से अब तक हुसैन और उनके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा था। सोचो सोचो ये करबला है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती है कि मैंने ख्वाब में देखा हुजूर की जुल्फें बिखरी हैं, दाढ़ी शरीफ के बाल पर असरात हैं और वजूद नाज पर खून के निशानात। मैंने पूछा हुजूर अल्लाह खैर करे, हुजूर का ये हाल है। कहा उम्मे सलमा, मैं हुसैन के मक्तलगाह में हूँ और सुबह से अब तक इस बोतल में उनका खून जमा कर रहा था, उनके आवान व अंसार का खून जमा। उम्मुल मोमिनीन उठी, रोई तो फरमाती है, जिन्नात के रोने की और नौहा करने की आवाज़ थी। जो मिट्टी हुजूर ने मुझे सौंपी थी, मैंने देखा तो वो मिट्टी सुर्ख हो चुकी थी। आप बताएं, दीन पर ये कुर्बानी दी इमाम हुसैन ने और हमारी बेटियाँ दीन पर कितनी हैं, क्या इमाम के दिल पर क्या गुजरती हो। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना पाली वालों, यजीदियों के तीर इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी करते थे मेरे भाई, अपने गुनाह और पाप, ये वो तीर है जो इमाम हुसैन के जिस्म को नहीं, इमाम हुसैन के दिल को जख्मी करते। यजीदी न बनाओ हुसैन के नाना के दीन के वफादार। कब तक दाढ़ियां मुंडा कर गटरों में फिकवा कर इमाम हुसैन के दिल पर नश्तर लगाते रहोगे, कब तक मस्जिद के पड़ोस में रहकर भी मस्जिदों से दूर रहोगे, कब तक के बेटियों को बेपर्दा आवारगी के साथ फैशन के नाम पे मेकअप करवाकर वलीमों में ले जाते रहोगे, कब तक बाजारों की जीनत बनाते रहोगे। अरे सैयदा ज़ैनब पाक की और बीबियों की चादरें छीन ली गई, चादर छीनने की रिवायत उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी ने भी आईने क़यामत में लिखा। मैं हवाले इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरे जाने के बाद आपको तकलीफ और कोई दिक्कत का सामना ना हो। चादरें तक छीन ली गई बीबियों की। जब चादर छीन ली गई तो हमारी जमात के कालिम दीन ने लिखा है, सैयदा ज़ैनब पाक को फिक्र हुई, जिनको कभी किसी ने नहीं दी, जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं है, हैं? सोचा चादरें छीन गई, जेवर छीने गए, कानों की बालियां तक नोच ली गई, शहजादी सकीना के मुंह पे तमाचे मारे गए। शहजादी सकीना ने सोचा यतीम पर तो काफिर भी मोहब्बत की नजर डालते हैं, तो कहा ओ लोगों, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं, मुझ पे रहम करो। तो इमाम हुसैन का नाम सुन के सकीना पाक को तमाचे मारे। आप सोचो सोचो तो सही, गौर तो करो, क्या जुल्म किया उन लोग, बीबियों के जेवरात छीने, बालियां छीनी, चादरें छीनी। सैयदा ज़ैनब पाक ने जब चादरें छीन गई तो जो खेमे जले थे, खेमे का जला हुआ टुकड़ा रेत में आग उसकी बुझाई और उसको अपने सर पे रखा। इस तरह भी अली की बेटी ने अपने सर को ढांपा। और आज अगर हमारी बेटियां मेकअप करके वलीमे में जाए, बाबू हुसैन के दिल पे, अभी कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा इसकी मैं बहस ही नहीं कर रहा हूं। अगर आशिक हो तो बताओ इमाम हुसैन का कितना दिल दुखता होगा, आप मुझे बताएं। अगर हमारे बेटे बरमूंडे पहन करके गलियों के अंदर घूम रहे, इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरी, कभी सोचो तो सही। और याद रखना, इख्तिताम करते हुए कह रहा हूं,
टाइम ज़्यादा हो गया जितना मेरे पास वक्त था, मुकम्मल हुआ क्योंकि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, लेकिन इतना जाते जाते ज़रूर कहते जाता हूँ, पाली के सुन्नी गैयूर मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखना, अच्छी तरह याद, जब तुम आले नबी की कुर्बानी की कद्र करना छोड़ दोगे तो दुनिया कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। खून हुसैन को हल्का जानोगे तो दुनिया तुम्हें जानवरों से ज़्यादा बदतरों की सफ़ में खड़ी करेगी। जब तक लोग नबी, आले नबी, असहाबे नबी की कुर्बानी का एहतराम करते रहे, उस वक्त तक दुनिया को, दुनिया मुसलमानों को एहतराम की नज़र से देखती रही। जब से तुमने इमाम हुसैन के खून को खिचड़े और शरबत में तोलना शुरू कर दिया और 80 रुपए की किलो की नान खटाई में तोलना शुरू कर दिया, खून हुसैन इतना सस्ता नहीं है, इसलिए कि हुसैन के अंदर खून किसका है? मेरे इमाम कहते हैं, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, रसूलुल्लाह का खून मुंतकिल होकर जिनके रगों में आया वो खून हुसैन है। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। पूरी दुनिया को एक पल्ले में रखो और खून हुसैन को एक पल्ले में रखो। पूरी दुनिया का खून खून हुसैन का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता, पूरी दुनिया की नेमतें खून हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो हुसैन का खून नहीं है, वो रसूलुल्लाह का खून है। और हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम की किसी चीज़ के बराबर कोई चीज़ की कीमत नहीं हो सकती। अरे उनकी नालैन की शान है, जो सर पर रखने को मिल जाए, नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। अगर आज के बाद जब तबीयत गुना करने को चाहे, जब दिल गुना करने को चाहे, तो अली अकबर की, इमाम कासिम की, इमाम अली असगर की, इमाम हुसैन की शहादतों को याद कर लेना कि इस दीन को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है। अगर आज एहसास नहीं करोगे, कल क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन के नाना को, कल क्या मुंह दिखाओगे रब्बे हुसैन को, कल क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह अकबर मौलाए कायनात को। वो ये ना कहेंगे, जालिम जिसके लिए मेरा घर लूटा, तूने उस दीन के लिए क्या किया? अगर नहीं किया, सोचिए, तौबा कीजिए, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, बदल जाइए, तब्दीली कर लीजिए। मेरे इमाम ने जब हुर को माफ़ करके जन्नती बना दिया, तो हम भी माफ़ कर दिए जाएंगे। इमाम की रूह अकदस हमसे राज़ी हो जाएगी, करबला में इमाम हमें मुस्कुरा करके देख लेंगे, इंशाल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। कितना करबला बयान करे, क्या करे, जिंदगियाँ ख़त्म होगी, बयान करबला ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।